हेलो दोस्तों कैसे हैं आप सब स्वागत है आप सभी का कॉमिक वर्ल्ड टू पॉइंट पर तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं सुरेन मोहन पाठक का नॉवेल आठ दिन का दूसरा भाग नौ बजे के करीब पुखराज रहेजा के मोबाइल की घंटी बजी उस घड़ी वो अपने घर के रास्ते में था स्क्रीन पर आए नंबर से उसने जाना कि लाइन पर दीपक पसारी था क्या खबर है वो बोला आपका जमूरा मिल गया पसारी की आवाज़ आई कहाँ मिला रौनक बाज़ार के घटिया बार में बैठा मिला रहेजा साहब वेटर से पता चला कि वो शाम चार बजे से वहाँ था और लगातार जाम पर जाम चढ़ाया जा रहा था वजह समझना मुश्किल तो नहीं अगर तू कहेगा कि चार लाख की कमाई सेलिब्रेट कर रहा था तो मैं तेरी बाप पर यकीन नहीं करूँगा यह घोष की खुशकिस्मती -कुश -कुश है कि उसके एम्प्लॉयर को उस पर इतना ऐतबार है नहीं ये वजह नहीं है तो क्या वजह माल गँवा बैठा पश्चात आपका गम गलत करता मिला क्या हुआ उसकी हालत कुछ कह पाने लायक नहीं थी मेरा ईश्वरी जानता है कि कैसे मैं उसके कैसे मैं उससे असल बात निकलवा पाया अब कुछ कह भी तो सही ठगा गया प्रोफेशनल ठगों की टोली ने चूना लगाया तीन जनों ने बकायदा निशाना बनाकर स्कीम बनाकर उसे मूँडा मुझे लगता है कि वो ठग लोग एक अरसे से अपने बंगाली बाबू को वॉच कर रहे थे और आपके कैरियर के तौर पर उसकी शिनाख्त कर चुके थे आज वो अपनी चाल चल गए कैसे क्या किया पसारी ने बताया ओ आखिर में रह बोला ये तो पहुँचे हुए मेहनतों का कारनामा हुआ बिल्कुल ऐसे ढग तो बिरादरी में जाने पहचाने होते हैं क्या उनका पता नहीं लगा जा सकता रहेजा साहब दानिश मंदी जहाँ बड़ी वारदात अंजाम दी हो वहाँ से खिसक जाने में ही होती है कबूल लेकिन क्या पता वो सब या उनमें से कोई दानिशमंद ना हो क्या पता वो इतने पहुँचे हुए मेहनत होगी चार लाख की ठगी को बड़ी वारदात ना मानते हो दम तो है आपकी बात में वो सौ सौ डॉलर के नोट बिल्कुल नए थे और एक नई गड्डी में से थे जिसमें से नब्बे नोट मुझे देकर दस मनी चेंजर ने अपने पास रख लिए थे मनी चेंजर मेरा रेगुलर और जाना पहचाना है पसरीचा भाई दस नोट अभी भी उसके पास होंगे जिनकी वजह से नब्बे नोटों की सीरीज़ के नंबर जाने जा सकते हैं सौ डॉलर बड़ी रकम होती है कोई आरा गहरा उसे कबूल नहीं करेगा इसलिए खुदरा खर्चने के लिए उसे रुपये में कन्वर्ट करना ज़रूरी होगा जो कोई मनी चेंजर ही कर सकता है अब आगे समझा या मैं कहाँ कहाँ खींच के दिखाऊं समझा तो सही में लेकिन ये बड़ा फैलावा वाला काम है मेरे अकेले से कैसे होगा मैंने अकेले करने को बोला ओह घोष अब कहाँ किस हालत में हालत तो बुरी है उसकी लेकिन पहले से बेहतर है एक टैक्सी पर उसे उसके घर रवाना करने के बाद ही मैंने आपको फ़ोन लगाया है कल तक उसका नशा उतर जाएगा कल उसे पकड़ना और बोलना कि अगर वो अपनी खैरियत चाहता है तो अपने ठगों को ट्रेस करने के लिए तुम्हारे साथ हाथ पाँव मारे ठीक एक से दो तो, तो यूँ हो जाएगा आगे तू जाने तेरा काम जाने ठीक है मैं करता हूँ कुछ कुछ सब कुछ जीता रहे पेट्रोल पंप के संचालक का नाम सतीश चावला था और वही इकलौता शख्स था जो उस रोज़ वहाँ हाजिरी भर रहा था अमूमन वहाँ पर अखिलेश नाम का उसका भांजा भी होता था लेकिन उस रोज़ तबीयत खराब होने की वजह से वो दोपहर बाद ही चला गया था पंप पर कोई ख़ास बिजनेस नहीं होता था इसलिए अकेला सतीश चावला भी या उसकी गैर हाजिरी में अखिलेश भी अब संभाल सकता था कोई ख़ास बिजनेस ना होने की वजह से ही पंप सुबह आठ बजे खुलता था और रात को नौ बजे बंद हो जाता था उस वक्त चावला फालतू बत्तियां बुझाता पंप बंद, बंद करने की तैयारी कर रहा था जबकि एक नीले रंग की मारुति वैन वहां पहुंची वो कार शबनम की थी उसे एहसास था कि वो बाद खिलाफी कर रही थी लेकिन पंप के करीब पहुंचते ही विकास के वादे के मुताबिक उसके आगे से गुजर जाने की जगह उसके वैन को ब्रेक लगानी शुरू की थी और उसे पम्प के भीतर की ओर घुमा दिया था जो कुछ विकास ने बयान किया था वो उसकी कल्पना के उपज तो नहीं हो सकता था लेकिन उसने खुद को समझाया था वहाँ कोई ख़तरा नहीं दिखाई दे रहा था तो तस्दीक करने की एक फटाफट कोशिश में क्या हर्ज था उसने वैन को पंप के करीब रोका चावला ऑफिस से निकल कर उसके करीब पहुँचा आई एम सॉरी वो एक गोल्डन जुबली मुस्कुराहट से अपने खूबसूरत चेहरे को सजाती और उसे नवाजती बोली मुझे नहीं मालूम था कि तुम बंद कर रहे थे कोई बात नहीं चावला अनमने भाव से बोला मैं ना हक तुम्हें तो परेशान कर रही हूँ क्योंकि मुझे पेट्रोल भी नहीं डलवाना तो मैं अगर कोई प्रॉब्लम ना हो तो तुम्हारा रेस्ट रूम इस्तेमाल करना चाहती हूँ कोई प्रॉब्लम नहीं वो उधर पीछे हट के बाजू में थैंक यू वो कार से निकली और नदीदों की दीद के अंदाज से मोरनी की तरह छाती फुलाती कूले झलाती निर्देशित दिशा में आगे बढ़ी आधे रास्ते में उसने घूमकर पीछे देखा तो पाया कि पंप वाला ऑफिस में चला गया हुआ था बढ़िया वो रेस्ट रूम के सामने पहुंची एक क्षण हिचकिचाई और फिर वो दरवाज़ा खोलकर भीतर दाखिल हो गई जिस पर जेंट्स लिखा था आम हालात में उसका जेंट्स टॉयलेट में कदम रखना ठीक ना होता लेकिन तब क्या फ़र्क पड़ता था तब तो उस एक पंप वाले के अलावा वहाँ कोई था ही नहीं भीतर दाखिल होते ही कई तरह की बदबूएं उसके नतरों से टकराई और उसे उपकाई आने लगी बड़ी मुश्किल से उसने अपने पर काबू किया और फिर बाएँ से दाएँ निगाह दौड़ाई दाएँ प्लेविड की पार्टीशन वाले टॉयलेट्स पर पहुँच उसकी निगाह टिटकी तीनों स्टॉलों के दरवाजे बंद थे हिचकती हुई दबे पाँव वो पहले स्टॉल के सामने पहुँची जिसमें कि बकौल विकास एक लाश पड़ी हो सकती थी उसने दरवाजे की तरफ हाथ बढ़ाया फिर सहक कर आधे रास्ते से ही वापस खींच लिया दरवाज़ा खोले बिना भी तो जाना जा सकता था कि भीतर लाश थी या नहीं घुटनों के बल नीचे बैठकर कर सिर्फ फर्श की ओर झुकाकर उसने प्लाईवुड के फर्श तक ना पहुंचते दरवाजे के नीचे से भीतर झाका खाली कुछ नहीं कमोड़ तक और पिछली पार्टीशन तक उसे फ़र्श के अलावा कुछ भी ना दिखाई दिया उसकी अपेक्षा में टॉयलेट के भीतरी भीतर का फ़र्श और भी गंदा होना चाहिए था लेकिन हैरानी की बात यह थी कि वो बाहर वाले फर्श के मुकाबले में साफ था वैसे ही उकड़ू आगे बढ़ते उसने दो बाकी स्टॉलों के भीतर झांका कहीं कुछ नहीं वो उठकर सीधी हुई और दरवाजे के बाजू की दीवार पर फिट वॉश बेसिन के सामने पहुंची वॉश बेसिन के ऊपर का शीशा मैला था और टूटा हुआ था और वॉश बेसिन भी यूनिनल्स जैसा ही बेहाल था उसके बगल में एक रॉड पर एक वैसा तौलिया लटका हुआ था जिसके दोनों सिरे आपस में सिले हुए थे और जो खींचने पर रॉड पर घूमता जाता था ताकि तोलिया का कोई अलग सूखा साफ हिस्सा इस्तेमाल में लाया जा सकता हैरानी की बात थी कि वहाँ कोई चीज़ कदरन साफ़ और कम दागदार थी तो वो तौलिया ही था ज़रूर टॉयलेट इस्तेमाल करने आने वाले तकरीबन लोगों को वहाँ का तौलिया इस्तेमाल करना गंवारा नहीं होता था वरना उस पर भी कत्थे के दाग होते और वो बीड़ी सिगरेट की मुश्क से महक रहा होता वहाँ कुछ नहीं रखा था उसने मनी मन फैसला किया वहाँ और ठहरना बेकार था दरवाजे पर जाकर उसने उसको खोलने के लिए उसकी मुँह को थामा तो उसे अपना हाथ चिपचिपाता लगा उसने तत्काल हाथ वापस खींचा और उसे ऊपर उठाकर हथेली पर निगाह डाली खून वो बौखलाकर एक कदम पीछे हट गई दरवाजे की मूट को खून लगा हुआ था जो कि अब उसके हाथ को लग गया था मूट को खून निश्चित रूप से किसी के खून से सने हाथ से लगा था और यह बात उस खून खराबे की तस्दीक करती थी जो कि विकास ने वहाँ अपनी आंखों के सामने होता देखा था तब उसे यह भी सोचा कि टॉयलेट के पहले स्टॉल का फर्श साफ़ क्यों था क्योंकि वो साफ़ किया गया था वहाँ बिखरे खून का वजूद मिटाने के लिए लिहाजा मूट पर लगा रह गया खून किसी की लापरवाही का बेध्यानी का नतीजा था वो वापस वॉश बेसिन पर पहुंची दूसरे हाथ से उसने उसका नलका चालू किया और खून से सना हाथ चलते पानी के नीचे कर दिया हाथ पर से खून धुल गया तो उसने तौलिए से हाथ पहुँचने शुरू कर दिए तौलिए का अगला सूखा हिस्सा अपने हाथों के करीब करने के लिए उसने तौलिए को रॉड पर से खींचा तो नीचे से गोल घूमते तौलिए के लपू में से निकल कर कोई चीज़ उसकी बैली पर आकर गिरी उसने नीचे निगाह डाली और फिर झुककर उस चीज़ को उठाया हीरा जगमग वहाँ की ट्यूबलाइट की रोशनी में चमचम चमकता हीरा उसने हीरे को अपने हैंडबैग में डाल लिया और उसमें से मुंह फेर मुंह पर फेरने के काम आने वाला एक पेपर नैपकिन निकाला उसने नैपकिन की कई तहें खोलकर उसे सीधा किया और फिर इस बार उससे मुँह पकड़कर दरवाज़ा खोला बाहर कदम रखने से पहले उसने एक बार सावधानी से बाहर जाकर कहीं कोई नहीं था वो खामोशी से बहा वहाँ से बाहर निकली और लंबे टक भरती आगे बढ़ी अपनी कार के करीब पहुँचने तक उसे पंप वाले के दर्शन न हुए वो कार में सवार हुई और तत्काल वहाँ से रवाना हो गई विकास को फिर कार में सवार कराने के लिए सतीश चावला ऑफिस को ताला चढ़ रहा था जबकि एक कार की हेडलाइट राहदारी पर चमकी पंप बंद हो गया वो वह घूमा और उच्च सर में बोला कार फिर भी करीब आती रही अरे मैंने कहा वो खामोश हो गया कार पुलिस की जीप थी वो करीब आकर रुकी तो उसने देखा कि उसे एक हवलदार चला रहा था उसके बाजू में पैसेंजर सीट पर एक इंस्पेक्टर बैठा हुआ था और पीछे एक और पुलिसिया था जो इंस्पेक्टर के बाद जीप से उतरा तो उसने देखा कि वो सब इंस्पेक्टर था उसने अदब से दोनों का अभिवादन किया कहाँ ही वारदात इंस्पेक्टर दबंग शर्मा बोला चावला ने उसकी वर्दी पर लगी नेम प्लेट पड़ी जिले सिंह वैसी ही नेम प्लेट सब इंस्पेक्टर की वर्दी पर भी थी जिसके मुताबिक उसका नाम विष्णु प्रसाद था वारदात चावला से पकाया कैसी वारदात कत्ले की वारदात यहाँ हाँ रेस्ट रूम में कहाँ है रेस्ट रूम कौन बोला कोई फ़ोन पर बोला कि यहाँ के रेस्ट रूम में किसी ने किसी को चाकू मार दिया अरे यहाँ कुछ नहीं हुआ मजाक किया किसी ने पुलिस के साथ बोगस कॉल थी करते हैं लोग बाग कभी कभी ऐसी वाहियात हरकतें कॉल तुमने नहीं की थी सब इंस्पेक्टर बोला मैंने तोहबा पम तुम्हारा है हाँ नाम बोलो सतीश चावला और कौन है यहाँ कोई नहीं अकेले पम चलाते हो अमूमन एक आदमी और होता है आज नहीं है अकेले कैसे चलता है चलता है इधर कोई खास बिजनेस नहीं है इक्का तुक्का ग्राहक ही आता है एक टाइम में रहते का हूँ चावला ने रूपनगर के एक हाउसिंग कॉम्प्लेक्स का पता बयान दिया तो इंस्पेक्टर वार्तालाप का सूत्र अपने हाथ में लेता बोला पुलिस को फ़ोन तुमने नहीं लगाया था अरे नहीं जनाब मैं ऐसा भाई मैसा भला क्यों करूँगा सरकार के साथ हकीकत ब्याँ करने के लिए हकीकत अरे जनाब यहाँ कुछ नहीं हुआ मैं अभी आपकी ज़ुबान ही सुन रहा हूँ कि रेस्ट रूम कहाँ है वो उधर बाजू में चल कर दिखाओ हवलदार को पीछे छोड़कर दोनों पुलिस अधिकारी रेस्ट रूम के सामने पहुँचे यह दूसरी इमारत क्या है इंस्पेक्टर शेड की तरफ इशारा करता बोला वो तो बंद पड़ी है एक अरसे से बंद पड़ी मेरे को दिखाई दे रही है है क्या उसमें वर्कशॉप है मेरा मतलब है थी पम्प का पिछला मालिक यहाँ सर्विस स्टेशन भी चलाता था लेकिन कोई बिजनेस नहीं था इसलिए बंद कर दिया उसने मैंने मैंने जब से टेक ओवर किया ये बंद है फिर उसने रेस्ट रूम की तरफ तोज्जो दी जेंट्स उसने दरवाजे पर से पढ़ा लेडीज़ के लिए कोई इंतज़ाम नहीं है ना चावला बोला यही है लेकिन उसका रास्ता पिछवाड़े से इंस्पेक्टर के इशारे पर सब इंस्पेक्टर पिछवाड़े की ओर बढ़ चला इंस्पेक्टर और चावलट जेंट्स ने कहा दरवाज़ा खोलकर भीतर दाखिल हुए इंस्पेक्टर की निगाह पैनी होती हुई चारों तरफ घूमी यहाँ तो सब ठीक जान पड़ता है वो बोला मैंने बोला ना किसी ने बोगल बोगस कॉल की किसने मुझे क्या मालूम कोई अंदाज़ा नहीं मुझे कोई अंदाज़ा नहीं यहाँ की बावधी क्यों की अब मैं क्या बोलूँ इंस्पेक्टर घूमा तो उसकी निगाह दरवाजे की भीतरी मूड पर पड़ी जिस पर पेपर नैपकिन चिपका हुआ था तत्काल उसके अनुभवी निगाहों ने यह भी नोट किया कि क्यों चिपका हुआ था तभी सब इंस्पेक्टर ने बाहर से दरवाज़ा खोला पीछे कुछ नहीं रखा भीतर दाखिल होता वो बोला यहाँ रखा है इंस्पेक्टर बोला दरवाज़ा बंद न करना इसे ऐसे ही खोला छोड़कर गाड़ी में से पेचकस लेके आओ सब इंस्पेक्टर की भवें उठी, ये मूठ चार पेचों के जरिए दरवाजे में कसी हुई है एहतियात से पेच खोलकर कर मूठ को अलग करना है और कब्जे में लेना है इस पर तो खून खून लगा जान पड़ता है ठीक जान पड़ता है ये पेपर नैपकिन खून की वजह से ही मूठ पर चिपका रह गया है इसके बावजूद मूंठ पर से उंगलियों के निशान बरामद हो सकते हैं समझे कुछ जी हाँ सब इंस्पेक्टर बाहर को लपका उल्टे पाँव वो पेचकस के साथ वापस लौटा और मूट के पेच खोलने लगा उस दौरान इंस्पेक्टर ने टॉयलेट्स की तरफ तवज्जो दी एक एक करके उसने तीनों का दरवाज़ा खोला और भीतर झाका तीनों खाली थे लेकिन उनमें एक फर्श था जो उसकी निगाह को चुभे बिना ना रहा पहले टॉयलेट का फ़र्श साफ था जबकि बाकी दोनों टॉयलेटों के फ़र्श मैले कुचैले से बाहर यूरिनल्स और उनके बीच का फ़र्श भी वैसे ही बदहाल था तो वो फर्श साफ़ क्यों था क्यों था हो गया सब इंस्पेक्टर बोला ऑफिस में चलो इंस्पेक्टर ने आदेश दिया तीनों पम्प के ऑफिस में पहुँचे तो इंस्पेक्टर चावला से मुखातिब मुखातिब हुआ पम्प के मालिक तुम तो मो हाँ चावला बोला अकेले और कोई पार्टनर है पार्टनर नहीं तो ऐसा फ़ैंसी जवाब देने का क्या मतलब पार्टनर के नाम पर सब पका कर दिखाने का क्या मतलब नहीं के साथ तो लगाने का क्या मतलब आप तो बाल की खाल निकाल रहे हैं और मेरा काम क्या है चावला खामोश रहा मूड पर खून कहाँ से आया मुझे नहीं मालूम कोई अंदाज़ा नहीं खून अभी पूरी तरह सूखा नहीं था शाम से कितने लोग वहाँ गए थे ज़्यादा नहीं चार पाँच ही जिसमें एक औरत थी रेस्ट रूम की सफ़ाई कौन करता है मैं या मेरा भतीजा अखिलेश तुम लोग क्यों यहाँ कोई खास कमाई नहीं है इसलिए और जॉब्स के लिए कोई नौकर चाकर नहीं रखा हुआ यही बात है आखिरी बार कब सफ़ाई हुई थी कल किसने की थी मैंने आज क्यों नहीं सफ़ाई एक दिन छोड़ के ही होती है इसलिए आज नहीं हुई कल फिर होगी हाँ तुम्हारे लिए भी वही टॉयलेट है हाँ आज कब गए कितनी बार गए एक ही बार गया दोपहर बाद लंच करने के बाद तब के बाद से किसी दूसरे काम से भी वहाँ नहीं गए दूसरा काम दूसरा काम कौन सा मसलन फर्श साफ करने का काम वो सवाल करते वक्त इंस्पेक्टर ने यूं पलक चावला की तरफ़ देखा कि वो विचलित हुए बिना ना रह सका सॉरी वो बोला मैं भूल गया था और काम से तो गया था शाम को कोई बिजनेस नहीं था इसलिए फ़र्श साफ़ करने गया था क्यों क्यों क्योंकि गंदा था गंदा तो वहाँ सब कुछ है वो खामोश रहा काम शुरू किया तो मुकम्मल क्यों ना किया जी टॉयलेट के एक ही स्टॉल का फ़र्श साफ करने के बाद काम छोड़ क्यों दिया अच्छा वो हाँ वो बाहर कोई कस्टमर आ गया था मुतवातर हॉर्न बजाने लग गया था इसलिए मुझे वो काम छोड़कर बाहर जाना पड़ गया था कस्टमर को अटेंड करने के बाद लौटे क्यों नहीं और कस्टमर आ गया था फिर फिर और आ गया था अभी तो कह रहे थे इधर कोई ख़ास बिज़नेस नहीं है इक्का दुक्का तो का ग्राह ही आता था इतफाक़ इतफाक़ से ऐसा हुआ ऐसा इक्तफाक पहले भी कभी हुआ एक आध बार हुआ कितना अर्सा हो गया पम्प चलाते पाँच महीने तो अब एक आध बार जमा एक और बार हो गया इतफाक़ कुल जमा दो ढाई बार हो गया नहीं उसने उत्तर ना दिया जब रूटीन एक दिन छोड़ के सफ़ाई करने की बताते हो जब सफ़ाई अभी कल की बताते हो तो आज किस लिए कमाल है रोजाना सफाई के खिलाफ क्या कोई ऑर्डिनेंस पास हो गया मैंने ऐसा कानून मैंने ऐसा करके कानून की कोई धारा बंद कर दी है डिपेंड करता है किस बात पर अगर तुमने फर्श इसलिए साफ किया कि वह गंदा था तो कोई परेशानी नहीं लेकिन अगर किसी क्राइम के सबूत मिटाने की मंशा से किया तो इंस्पेक्टर ने कहर भरी निगाह से चावला को देखा बहुत गलत किया बहुत बुरा किया अब बोला क्या बोलू मेरे को इतना ही बोलना है कि फ़र्श मेरे को गंदा लगा इसलिए मैंने साफ़ कर दिया करना शुरू कर दिया इतनी सी बात है कि जिसके लिए मैं नहीं समझता कि मुझे सरकार से इजाज़त लेने की ज़रूरत थी बहुत करारी बात कही तुमने बोला कि वहाँ जाने वालों में एक औरत भी थी हाँ कौन थी वो क्या पता कौन थी कस्टमर थी नहीं पेट्रोल तो उसने नहीं डलवाया था खाली रेस्ट रूम में जाना चाहती थी ऐसी जगहों के रेस्ट रूम को नॉन कस्टमर्स भी इस्तेमाल करते ही हैं फिर भी वो औरत ख़ास तौर से तुम्हें या क्यों याद रही वजह तो है क्या वजह है वही तो मैं जानना चाहता हूँ एक तो वो बहुत खूबसूरत थी एन फिल्म स्टार लगती थी इसलिए दूसरे जाके जेंट्स टॉयलेट्स में घुस गई थी क्या जी हाँ तुमने टोका नहीं क्लोजिंग टाइम था मैंने सोचा था क्या फ़र्क पड़ता था तुम कहते हो वो बहुत खूबसूरत थी हाँ रख रखाव कैसा था शानदार ई क्लास ऐसी क्लास औरत को ऐसे फटेले टॉयलेट में जाना कबूल हुआ जनाब जाके ही तो पता लगा कि वो फटेला था घर के भाग द्यौड़ी से नज़र आ जाते हैं जब यहाँ सब कुछ फटेला है तो टॉयलेट का चमचम कर रहा होता चावला ने आहत भाव से उसकी तरफ़ देखा जवाब दो उसकी मजबूरी होगी नेचर कॉल जोर मार रही होगी हाँ ये हो सकता है कब आई थी वो यहाँ आप लोगों के यहाँ पहुँचने से बस थोड़ी देर पहले टाइम टाइम बोलो नौ बजने से दो या तीन मिनट पहले टाइम की तरफ तवज्जो जाने की वजह मैं यहाँ नौ बजे बंद करता हूँ उसी तैयारी में था तो वह यहाँ पहुँची थी खुलिया बयान करो खूबसूरत थी फिल्म स्टार लगती थी इसके अलावा कुछ बताओ चावला ने भरसक कोशिश की इंस्पेक्टर गंभीर ओंकार भरता बोला मूड पर खून कैसे लगा किसी को बेदिहाने में कोई चोट वोट लग गई होगी कोई बड़ी बात नहीं लेकिन खून लगी मूड पर पेपर नैपकिन क्यों चस्पा हो गया वो भी गुलाबी रंग का खुशबूदार अब मैं क्या बोलूँ मूड पर लगा खून तुम्हें क्यों ना दिखाई दिया कब वो सब पकाया कब ना दिखाई दिया जब तुम टॉयलेट साफ़ करने गए थे तब नहीं लगा होगा लगा होता तो तुम्हारे हाथ को भी लगता जी भाई बाहर एकाएक ग्राहक के पहुंच जाने की वजह से हॉर्न बजना लग जाने की वजह से जब तुम सफाई का, का काम बीच में छोड़कर बाहर को लपके थे तो तुमने भी तो मूड से पकड़कर दरवाज़ा खोला होगा तब अगर मूड को खून लगा होता तो वो तुम्हारे हाथ को लगने से कैसे रह गया होता उसने उस बात पर विचार किया सफ़ाई के वक्त दरवाजे को खोल के रखा जाता है फिर बोला उसके रास्ते में ईट लगा दी जाती है ताकि वाइपर से कचरा बाहर निकाला जा सके यूं दरवाज़ा खोल के रखने से अंदर की मूट दीवार के साथ जल लगती है इसलिए दिखाई नहीं देती हॉर्न बजने पर जब मैं वहाँ से गया था तो यूँ मेरे लिए दरवाज़ा खुला था इसलिए मूड को थामने का उस पर निगाह पड़ने का कोई मतलब ही नहीं था तो दरवाज़ा वैसे ही तुम्हारे बाद में वहाँ पहुँचने वालों को भी क्यों ना खोला मिला क्योंकि जाति बार मैं पाँव से ईट हटा गया था इसका मतलब तो ये हुआ कि पीछे अधूरा छोड़ा काम लौट कर मुकम्मल करने की तुम्हारी कोई मर्जी ही नहीं थी इसलिए नहीं थी क्योंकि काम तुम पहले ही मुकम्मल कर चुके थे और काम ये था कि तुम्हें सिर्फ सिर्फ़ टॉयलेट के पहले स्टॉल का फर्श साफ़ करना था ऐसी कोई बात नहीं ईट में बे ईट में बेध्यानी में हटा गया था और क्लोजिंग टाइम तो लौट के आने का मौका नहीं लगा ऐसा हाँ यह तमाम बातें नज़रअंदाज की जा सकती थी अगर थाने में यहाँ एक कत्ल खून हुआ होने की बाबत कॉल ना आई होती चोट बेदहानी में लग जाती है कत्ल बेदहानी में नहीं होता कत्ल की बाबत थाने में भोगस कॉल भी आए तो तफ्तीश करनी पड़ती है नहीं हाँ दरायाफ्त करना पड़ता है कि कौन क्या जानता है और पब्लिक से उम्मीद की जाती है कि वो पुलिस से सहयोग करे, उससे कुछ ना छुपाए क्या कुछ ना छुपाए हाँ याद रखना ये बात अभी चलते हैं चावला के भेजे की चरखी तेजी से घूमने लगी वो सोचने लगा कि क्या वो उस शख्स का जिक्र करे जो कि दस लीटर के खाली कनस्तर के साथ उसमें पेट्रोल लेने पहुंचा था क्या उसी शख्स ने कत् की बाबत पुलिस को फ़ोन किया हो सकता था किसी ने तो फोन किया ही था तो उसने क्यों नहीं दोनों पुलिस अधिकारी तब तक जीप तक पहुँच चुके थे इंस्पेक्टर साहब वो पीछे लपकता बोला जनाब ज़रा रुकी इंस्पेक्टर ठिटका घूमा उसने प्रश्न सूचक नेत्रों से करीब आते चावला की तरफ़ देखा मैं एक बात भूल गया था चावला बोला जो मुझे अभी एक एक, एक याद आई है हो सकता है आपकी निगाह में उसकी कोई अहमियत हो कौन सी बात साढ़े सात बजे के करीब खाली कनस्तर उठाए एक आदमी यहाँ आया था जो कहता था कि उसकी कार का यहाँ पंप से थोड़ी दूर कहीं पेट्रोल चुक गया था उसने मेरे को कनस्तर में दस लीटर पेट्रोल डालने को बोला था और फिर खुद मेरे से रेस्ट रूम की बात पूछ कर वहाँ चला गया था इसमें जिक्र की कौन सी बात है इंस्पेक्टर उतावले सर में बोला वो बात आगे है ना तो आगे पहुँचो भाई जनाब पेट्रोल की खातिर तो वो यहाँ आया था और अपना पेट्रोल का कनस्तर ही वो यहाँ भूले जा रहा था भूले जा रहा था जी हाँ मुझे आवाज़ देकर उसकी बाबत उसे चेताना पड़ा था मेरे ऐसा करने के बाद ही उसने पंप पर आकर अपना कनस्तर उठाया था लेकिन मुझे मुँह से थैंक यू का एक लफ्ज़ फूट के नहीं दिया था ऐसा जी हाँ मेरे आवाज़ देने पर वो आया कनस्तर उठाया और लौट गया जैसे नींद में चल रहा हो कमाल है ऐसा क्यों वो रेस्ट रूम से लौटा था उसके मिजाज में तब्दीली की वहीं कोई वजह पेश आई होगी क्या वजह मुझे क्या मालूम उसने वहाँ कत्ल किया होगा और लाश को कमोड में फ्लश कर दिया होगा आप आप मेरा मजाक उड़ा रहे हैं वो तुम्हारे टॉयलेट साफ करने से पहले यहाँ पहुँचा था या बाद में पहले लिहाजा तुम साढ़े सात बजे के बाद किसी वक्त टॉयलेट साफ़ करने गए थे हाँ और नौ बजे तुम क्लोजिंग बताते हो हाँ क्लोजिंग टाइम से पहले टॉयलेट साफ़ करने जाने की क्या तो कोई आप तो फिर शुरू हो गए जवाब दो कल भी तो आकर यह काम मैंने ही करना था एडवांस में कर दिया तो क्या आफत आ गई देखने में कैसा था वो आदमी लंबा ऊंचा नौजवान था उम्र में तीस एक साल का होगा जीन्स जैकेट पहने था बढ़िया पर्सनैलिटी थी और एन हीरो लगता था जैसे वो औरत हीरोइन लगती थी आप फिर बाल कैसे थे आंखें कैसी थी मूच रखता था या क्लीन शेफ था ध्यान नहीं ध्यान करो जो मुझे याद था मैंने बता दिया कुछ बाद में याद आ गया तो क्या करोगे आपको खबर करूँगा गर्ट दोनों पुलिस अधिकारी दकारी पूर्व जीप में सवार हो गए जीप वहाँ से रवाना हो गई क्या कहते हो रास्ते में इंस्पेक्टर बोला किस बारे में सब इंस्पेक्टर बड़बड़ाया सॉरी हड़बड़ाया अरे पंप वाले के बारे में फरेबी बातें करता था सब कुछ सच सच बताना नहीं जान पड़ता था एन मेरे मन की बात कही मैं सोच रहा हूँ अभी हम ऑफिस न जाएं तो कहाँ जाएं वापस मैं फ़ासले से खुफिया तरीके से पंप को वॉच करना चाहता हूँ देखना चाहता हूँ कि वो पीछे क्या करता है ठीक है इंस्पेक्टर के निर्देश पर हवलदार ने जीप घुमाई और उसे पेट्रोल पंप के सामने के खाली मैदान में मलबे के ढेर की ओट में ले जाकर रोका इस आदमी को चेक कराना होगा इंस्पेक्टर पेट्रोल पंप की ओर झाँकता गंभीरता से बोला पेट्रोल पंप का मालिक होने के बावजूद क्यों वो कोई बहसीयत शख्स नहीं जान पड़ता गुस्ताखी माफ़ क्यों नहीं जान पड़ता अरे भाई जो शख्स खुद टॉयलेट साफ़ करता हो उसने वजह बताई तो थी कि धंधा मंदा था तो क्या हुआ एक अटेंडेंट लगने से जागीर लुट जाती है बाल मुड़ने से मुर्दा हल्का होता है पुरुषार्थ की महिमा में विश्वास रखता होगा सारा पुर्साद साला टॉयलेट साफ करने में ही घुसा हुआ है गांधी जी भी टॉयलेट साफ़ करते थे बढ़िया जिसे अभी फरेबी किरदार बता के हटे हो वह अब गांधी जी के बराबर हो गया सब इंस्पेक्टर हंसा फिर वो खुद को पंप का मालिक बताते हुए हिचकिचाया क्यों उसका लहजा क्यों लड़ रहा मैं इस शख्स की पूरी जानकारी निकालूंगा मुकम्मल जन्मपत्री खुद तैयार करूंगा जल्दी आपकी उम्मीद से जल्दी गुड कनस्तर वाले का जिक्र उसने आखिर में एंड टेल एंड पर क्यों किया आपको उसमें भी भेद लगता है जहाँ धंधा मंदा हो इक्का दुक्का ग्राहक ही आता हो वहाँ ऐसे अनोखे व्यवहार वाला शख्स उसे आखिर में याद आया आज धंधा मंदा नहीं था ग्राहक पर ग्राहक आ रहे थे तभी तो टॉयलेट साफ करने का काम मुकम्मल करने लौट ना सका ऐसा वही तो कहता है आपका क्या ख्याल है सब याद था उसे खाली ये फैसला नहीं कर पा रहा था कि उस शख्स का जिक्र करे या ना करे फिर आखिर जिक्र इसलिए किया क्योंकि पुलिस को आई फ़ोन कॉल का सस्पेंस था उसका जिक्र करके उसने हमें यह आइडिया सरकाया था कि हमें गुमनाम फोल फ़ोन करने वाला शख्स वो था आपकी बात में दम है वो निकल रहा है मैं देख रहा हूँ लेकिन वो तो पैदल है गाड़ी कहीं और खड़ी की होगी खा माँ खाम। होगी कोई वजह अरे जब कहते हो कि बैसियत बहस, शख्स नहीं जान पड़ता तो ये भी तो वजह हो सकती है कि गाड़ी उसके पास हो ही नहीं सिंह साहब आजकल तो बेहसियत लोगों के पास भी गाड़ी होना आम बात है ये बात भी ठीक है तो ये बात भी ठीक है तो, तो पैदल कहीं करीब ही जा रहा होगा देखते हैं सतीश चावला करीब जिस जगह गया वो रोडवेज़ का बस स्टॉप था थोड़ी देर बाद एक बस वहाँ पहुँची जिस पर वो सवार हो गया विष्णु इंस्पेक्टर बोला क्या देखा पेट्रोल पम्प के मालिक को बस पर सवार होते देखा ऐसा पेट्रोल पम्प मालिक पहले कभी देखा सुना जिसके पास अपनी कोई सवारी ना हो सवारी होगी सिंह साहब किसी वजह से आज नहीं होगी कौन सी वजह गाड़ी बिगड़ी हुई रिपेयर के लिए वर्कशॉप में खड़ी होगी या सुधरी हुई होगी लेकिन बीवी ने कब जाली होगी तो मैं क्या पता कि ये शादीशुदा है पता तो नहीं बस ऐसे ही गैस किया मैं कल इसकी पूरी हिस्ट्री बयान करूंगा जिसमें कि इस बात का भी जिक्र होगा कि पेट्रोल पंप बंद करने करके ये बस पर आज ही सवार हुआ था यह इसकी हमेशा की रूटीन थी और मूड को पुलिस या फॉरेंसिक लैब में ब्लड टेस्ट और फिंगरप्रिंट बेकअप के लिए भेजोगे ज़रूर बस के पीछे चलें क्या फायदा होगा वो बस रूपनगर की थी जहाँ कि उसने अपनी रिहायश बताई थी पंप बंद करके इतनी रात गए घर के अलावा और कहाँ जाएगा ठीक ओके वापस चलो पूर्व निर्धारित स्थान पर शबनम ने अपनी वैन को स्लो किया फिर खड़ी किया और स्टेयरिंग थपथपाती प्रतीक्षा करने लगी एक पेड़ की ओट में से विकास प्रकट हुआ और आकर उसके पहलू में सवार हो गया शबनम ने प्रश्न सूचक नेत्रों से उसकी तरफ देखा सब खैरियत है विकास बोला यहाँ लावारिस खड़ी मेरी कार किसी की निगाह में नहीं है मुझे यहाँ ऐसा कोई शख्स दिखाई नहीं दिया जो कि निगाहमानी कर रहा हो बढ़िया अपनी सुना पेट्रोल पंप पर क्या देखा वहाँ पुलिस पहुँची हुई है उसने तो पहुँचना ही था क्यों भाई मैंने फ़ोन किया था तुमने हाँ क्यों बोला बोलूँगा पहले तू पहले बोलो अरे कत्ल का मामला था सोचा लाश जितनी जल्दी बरामद होगी उतना अच्छा था ये बात पहले ना सूझी नहीं सूझी इसलिए ना जी ये पहले मुझे शिद्दत से इस बात का एहसास नहीं हुआ था कि मेरी जान को ख़तरा था तेरे पीछे मुझे लगा कि वो खतरा कातिल की गिरफ्तारी से टल सकता था पुलिस क्या करती कोई जादू मंत्र करती जिसके सद के कतिल उनके सामने प्रकट हो जाता अरे कुछ तो करती ये उनका काम है उनका कारोबार है तूने देखा नहीं कि दस में नौ कातिल वारदात के उजागर होने के बाद विदिन अ वीक पकड़े जाते हैं पुलिस को कहाँ फ़ोन किया करीबी थाने में नहीं सौ नंबर पर वन ज़ीरो ज़ीरो पर क्या बोला जो ही मैंने कत्ल का नाम लिया किसी ने मुझे होल्ड करा दिया फिर लाइन पर कोई इंस्पेक्टर जिले सिंह आया जैसे कि मैंने कत्ल की बाबत लाश की बाबत बता दिया ओह अब तू बोल वहाँ पंपर और क्या देखा लाश गायब है क्या किधर ध्यान है मैंने बोला टॉयलेट में लाश नहीं है तेरे को क्या मालूम आंखों से देखा ना क्या तू वहाँ गई लो और क्या मुझे दिव्य दृष्टि प्राप्त है जो मैंने वैन में बैठे बैठे सड़क पर सी टॉयलेट में झाँक लिया तूने वादा खिलाफ़ी की अब क्या बोलूँ मेरे से रहा नहीं गया कोई पंगा पड़ जाता तो पड़ा तो नहीं पड़ जाता तो अब तो अब तो तो बंद करना तोते मैं खफा हूँ तेरे से हाय मैं कुर्बान, एक बात बोलूँ वे की तू ऐसे बोलता है तो मेरा खसम लगता है बकवास बंद कर जो आज्ञा प्राण मौके की नज़ाकत नहीं देखती जब देखो चबड़ चबड़ चबर चबर करने लगती है सॉरी मैंने गलती की जो तेरी बातों में आ गया और तुझे साथ लेकर आया अभी सॉरी बोलो तो बोला तो सॉरी की बच्ची बच्ची बोला इसलिए डांट खा रही हूँ वरना वरना क्या करती सुपारी लगवाती थी विकास ने उसकी गर्दन थाम ली कोई मर गई अरे छोड़ो विकास ने हाथ वापस खींच लिया गर्दन थाम ली थामनी थी तो कोई ढंग की चीज़ थामी होती बाड़ में जा अच्छा अच्छा बोलो क्या करें तुझे नहीं मानो लो मालूम होता तो पूछती या हम क्या करने आए ये सवाल तो आसान है जवाब मुझे आता है तुम्हारी कार लौटा ले वो गो यहाँ क्यों खड़ी है क्योंकि उसमें पेट्रोल नहीं है इजी तो तो ओ तो यूँ कहो ना कि पेट्रोल लेने चलना है तुम्हारा पेट्रोल वाला कनस्थ तलाश करके लाना है इतनी सी बात इतना लपेट के कही सीधे नहीं कहा गया शब्बो लेट्स गो फैज द केन शब्बो लेट्स गो फैज द केन यस माई लॉर्ड मास्टर राइट अवे लेकिन अब क्या हुआ पुलिस अभी भी वहाँ हुई तो यहाँ से तो हिल आगे पता चल जाएगा शबनम ने वैन आगे बढ़ाई वैन पंप के करीब पहुंची तो उन्होंने पुलिस की जीप को पंप के परिसर से निकलकर सड़क पर आते और विपरीत दिशा में आगे बढ़ते देखा जा रहे हैं शबनम बोली रोक कैसे जोर ज़ोर से हॉर्न बजाऊँ या चीख के आवाज़ दूँ अरे कम वैन को रोक अपनी गाड़ी को रोक ओ अपनी गाड़ी को रोकू मैं समझी कि उसने वैन को साइड में करके खड़ा किया थोड़ी देर रुकते हैं विकास बोला जरा तस्दीक हो जाए कि पीछे सब ठीक ठाक है फिर मैं मैदान में कनस्तर की तलाश में विकी जीप लौट रही है क्या सामने देख पुलिस की वही जीप वापस आ रही है अब क्या हुआ देखते हैं जीप लौटी तो पेट्रोल पंप की ओर मुड़ने की जगह विपरीत दिशा में खाली मैदान की ओर मुड़ गई और, और वहाँ पड़े मलबे के एक ढेर की ओट में जाकर रुक गई ये तो गड़बड़ हो गई विकास बड़बड़ मैं इनकी मौजूदगी में मैदान में कैसे जा सकता हूँ कभी तो टलेंगे विकास ने सहमति में सिर हिलाया दोनों प्रतीक्षा करने लगे उस दौरान उन्होंने पंप वाले को सब बंद करके एक बस पर सवार होकर वहां से रुखसत होते देखा और थोड़ी देर बाद पुलिस की जीप भी वहां से चली गई थी अब जाता हूँ विकास अपनी ओर का दरवाजा खोलता बोला कहीं फिर ना लौटाए शबनम शशक भाव से बोली अब यहाँ क्या रखा है शबनम खामोश रही जाता हूँ पीछे तुझे कोई पंगा लगे बखेड़ा लगे तो हॉर्न बजाना शबनम ने सहमति में सिर हिलाया विकास ने वैन से निकलकर सड़क पार की और आगे अंधेरे मैदान में दाखिल हुआ सावधानी से पिछली बार वाला रास्ता ट्रेस करता आंखें फाड़े सामने देखता वो आगे बढ़ा जल्दी उसे ज़मीन पर लुढ़का पड़ा कनस्तर दिखाई दे गया उसने उसे सीधा किया तो उसके वजन से ही तस्दीक हो गई कि उसमें से पेट्रोल बह नहीं गया था कनस्तर के साथ वो वापस वैन में लौटा शबनम ने गाड़ी घुमाई और उसे ले जाकर वापस वहाँ खड़ा किया जहाँ की विकास की जैन खड़ी थी विकास ने जैन की टंकी में पेट्रोल भरा और ड्राइविंग सीट पर जाकर इंजन ट्राई किया तो एक आध बार खांसकर इंजन बोल पड़ा आगे पीछे कार चलाते दोनों वापस ऊपर रोड पहुंचे इस बार शबनम ने कोनिया के दो जाम तैयार किए अब बोल फिर विकास भुनमनाता बनाता बोला क्यों कहीं पंप पर खास तौर से बोला था वादा लिया था भीतर नहीं जाना था रुकना नहीं था खाली सामने से गुजरना था अरे तो क्या हुआ हो हो तो सकता था ना लाश वहाँ होती तेरी वहाँ मौजूदगी के दौरान कोई ऊपर जाता तो तेरा मुकाम जेल होता खामा खा खा जेंट्स टॉयलेट में अपनी मौजूदगी का तू क्या, क्या जवाब देती गलती हो गई दरवाज़ा खोलते ही ना देखा कि वो जेंट्स टॉयलेट थी भीतर क्यों घुसी जोर की लगी थी दो नंबर की लानत अंत भला सो भला नहीं अब बोल वहाँ क्या देखा क्या देखा कुछ नहीं देखा देखने लायक कुछ था ही नहीं वहाँ क्या किया किया भी कुछ नहीं वो भी नहीं जिसके लिए कि वैसी जगह बनी होती है क्या हुआ क्या मतलब कुछ इरादतन किए बिना हो गया हो हाँ ऐसा तो कुछ हुआ था क्या वहाँ से निकलने लगी थी तो मेरे हाथ को खून लग गया था खून हाँ कैसे कहाँ से दरवाज़े के भीतर की ओर मूड पर से मैंने दरवाज़ा खोलने के लिए मूड को थामा था तो हाथ चिपचिपा गया था हाथ उस पर से हटाकर उस पर निगाह डाली तो खून लगा पाया फिर तफसील से बता सारी बात शबनम ने बताई मूड पर खून कैसे लगा विकास बढ़बड़ाया क्या बड़ी बात है किसी के हाथ को कहीं से कट गया हो जिसकी उसे खबर ना आई ऐसा अक्सर हो जाता है दर्द अब जाके उठा चोट लगे देर हुई के अंदाज में तू ये बात इसलिए कह रही है क्योंकि तुझे मुकम्मल तौर से अभी भी यकीन नहीं कि मैंने वहाँ अपनी आँखों के आगे खून होते देखा था वहाँ इस बात की चुगली करने वाला मुझे कुछ नहीं दिखाई दिया था तभी तो मूड पर लगे खून की और ही वजह सुझा रही है वो खून मकतूल का था कातिल का था मेरे सामने अपने ही चाकू से वह अपना हाथ काट बैठा था चाकू की दार बेहद तीखी थी इसलिए फ़ौरन उसे उस बात की खबर नहीं हुई थी मुझे वहाँ से बाहर ले जाते वक्त दरवाज़ा उसने खोला था इसलिए मूड को खून लग गया था ओह तेरे पीछे मैंने पुलिस को फ़ोन कर दिया ये सोच के मेरा दिल हिलता है कि तेरे वहाँ होते वहाँ पुलिस पहुँच गई होती तो तेरा क्या होता बाल बाल ही बची फिर तो पुलिस से आमना सामना होने से ही तो तेरे ख्याल से पंप वाले ने तेरे बारे में पुलिस को कुछ नहीं बताया होगा अरे हाँ तो मैं फ़ोन की कितनी जल्दी क्या थी मेरे लौट आने पर करते क्यों मुझे सपना आना था कि तू वादा खिलाफी करेगी लो मैं सोच रही थी कि तुम मेरी बहादुरी की तारीफ़ करोगे आई बड़ी बहादुर वो हंसी अब ये पक्की बात है कि तूने मुझे सब कुछ बता दिया है हाँ नहीं हाँ भी नहीं भी एक बात मैं भूल गई थी अब याद आई कौन सी बात उसने अपने हैंड से निकाल कर हीरा पेश किया ये क्या है विकास शक पकाया देखो हीरा जान पड़ता है मेरे को भी कहाँ मिला रेस्ट रूम के गोल घूमने वाले तौलिए में से हाथ पाँचते वक्त मैंने उसे घुमाया था तो ये नीचे के लूप से निकल कर बाहर आ गिरा था लूप में कैसे पहुँच गया क्या पता तुम बताओ यह हीरा किसी अंगूठी का जान पड़ता है मेरे ख्याल से ये किसी की अंगूठी में था और ठीक से जड़ा नहीं हुआ था क्यों या बाद में इस्तेमाल से लूज़ हो गया था ऐसा आम हो जाता है अंगूठी में जड़े नग अक्सर लूज़ हो जाते हैं ठीक तौलियों को बाहर से सुथरा न पाकर किसी ने भीतर हाथ डालकर हाथ पहुँचने की कोशिश की होगी और यह तौली के रगड़ से अंगूठी में से निकलकर भीतर लूप में जा गिरा होगा और उसे खबर नहीं लगी होगी ज़ाहिर है वरना क्या वो हीरे को तोलिया में छोड़ता वो कौन क्या पता कौन इसका तुम्हारे कत्ल के केस से कोई ताल्लुक़ हो सकता है मेरे कत्ल के केस से नहीं कत्ल के कत्ल के केस से इसके इसका कत्ल के केस से कोई ताल्लुक हो सकता है हो सकता है अगर वो अंगूठी कातिल पहने हुए जिसमें से निकलकर ये हीरा तौलिया में गिरा था इससे कातिल की शनाख्त हो सकती है अगर वो बिना नग वाली नग की जगह खाली अंगूठी पहने हो तो हो सकती है फिर तो कातिल का पता लगाना आसान है अच्छा वो कैसे अरे राजनगर के हर बाशिंदे के अंगूठी वाला हाथ ही तो देखना होगा बढ़िया तू करना ये काम साथ में एक मार्कर ले जाना जिस जिसका हाथ चेक करती जाए उसके माथे पर क्रॉस का निशान लगाती जाना वो हँसी हंसती है तुम्हें तो मेरी हंसी अच्छी नहीं लगती अच्छी लगती है बहुत अच्छी लगती है लेकिन हर बात का कोई वक्त होता है कोई मुकाम होता है वो फ़ौर संजीदा हुई कीमती जान पड़ता है फिर बोली हीरा कीमती होता है बशर्ते कि असली हो कोई नकली हीरा शीशा क्यों पहनेगा अगर ये कातिल की अंगूठी से निकला है तो नकली होने के ही ज़्यादा चांसेस है क्यों क्योंकि वो कोई संपन्न खानदानी आदमी नहीं लगता था हीरा पहनने वाली शक्ल नहीं थी उसकी हाँ या यूँ समझ कि कीमती हीरा पहनने वाली शक्ल नहीं थी उसकी ये बूथी और हीरे की अंगूठी लाइक ये मुँह और मसूर की दाल हाँ लाश कहाँ गई उसी ने कहीं गायब की मेरे बच निकलने के बाद वो वापस लौटा होगा उसने लाश वहाँ से हटा दी होगी और कत्ते की चुगरी करने वाले सारे निशान मिटा दिए होंगे सिवाय मूड पर लगे खून के जाहिर है लाश कैसे हटाई होगी मुर्दा तो कहते हैं बड़ा भारी हो जाता है उसे एक जने से हैंडल उस एक जने ने हैंडल कर लिया होगा विकास ने उस बात पर कुछ छड़ विचार किया नहीं फिर बोला मुझे लगता है पंप वाले ने इस मामले में उसकी हर तरीके की, की मदद की थी हर तरीके की हमने उसे पंप बंद करके बस पर सवार होकर वहाँ से जाते देखा था लाश होने को के लिए अपनी कार कातिल को दे दी क्या बड़ी बात है बशर्ते कि उसके पास कार रही हो आजकल हर किसी के पास कार है पेट्रोल पंप के मालिक के पास नहीं होगी बशर्ते कि वो मालिक हो विकास ने सक पका उसकी तरफ़ देखा बड़ी सयानी बातें कर रही है सोहबत का असर है वैसे मुझे तुम्हारी बात से इतफ़ाक़ है कि वो पम्प वाला क्राइम में कातिल का मददगार था क्यों कोई खास बात है तेरे जहन में हाँ है मुझे टॉयलेट के पहले स्टाल का फ़र्श एन साफ मिला था जबकि उस फर्श के अलावा सब जगह तब भी बुरा हाल था जब कातिल पंप वाले की कार लेकर और लाश लेकर चला गया तो पीछे फर्श और, और किसने साफ किया बड़ी सयानी बातें कर रही है मैं वहीं से आनी तुम तो मेरे को इतना ताड़ना बंद करो तो पता चले ना मैं तो नहीं ताड़ तो और भी हिमाकत कर रहे हो यानी कि चित भी तेरी रही हो पट भी तेरी एक बात बोलूँ बोल भगवान ने औरत को छातियाँ ना लगाई होती तो उसकी दो कौड़ी की पूँछ ना होती ये बात तू पहले भी कह चुकी है कोई बात एक से ज़्यादा बार कहने पर पुलिस पकड़ के ले जाती है नहीं वैसे तेरी बात में दम है इसमें कि भगवान ने अगर औरत को उसका पीछा छोड़ दूसरी बात में पंप वाले के कातल का मददगार होने वाली बात में लेकिन इसका उलट भी मुमकिन है मैं समझी नहीं फर्श कातिल ने खुद साफ़ किया हो ऐसा कर चुकने के बाद उसने हाथ धोए जिन्हें पहुँचते वक्त अंगूठी का नग या हीरा असली या नकली तौलिए की रगड़ से सैटिंग में ही निकल गया हूँ और उसे खबर ना लगी हो क्या बड़ी बात है तो भूल रही है कि वो कत्ल करके हटाता और दूसरा मेरा करने पर आमादा था ऐसे मूड में ऐसे शख्स की तवज्जो अपनी अंगूठी की तरफ ना गई हो ना क्या बड़ी बात है और कार उसने खुद हथिया ली यानी कि चोरी कर ली हो हाँ मालिक को चोरी की खबर ना लगी होगी लगी होगी तो उसने चोरी की रपट क्यों ना दर्ज कराई उसने तो पंप बंद किया बस पर बैठा और चल दिया तुझे क्या पता नहीं कराई चोरी की बाबत फ़ोन कॉल वो वो तुझे हाजिर नाजिर जान क्या करता ठीक फिर उसने नई आपत्ति पेश की कातिल ने जब फर्श साफ करने की जहमत की तो दरवाजे की मूड पर क्यों खून लगा छोड़ गया अरे मैंने बोला तो उसका अपना हाथ कहीं से कट गया होने की वजह से तवज्जो नहीं गई होगी क्योंकि चाकू की धार बहुत तेज़ थी बोला तो था दूसरे उसे वहाँ से निकल जाने की जल्दी थी क्योंकि वहाँ कभी भी कोई भी उसके सिर पर आन खड़ा हो सकता था ऐसे माहौल में किसी का अपने आप से लापरवाह हो जाना क्या बड़ी बात है कोई बड़ी बात नहीं लेकिन यूं तो ख़ून तोलिए को भी लगा होना चाहिए लगा होगा लेकिन कहाँ अंदर की तरफ उसने तौलिए के लूप के अंदर हाथ डालकर हाथ पहुँचे तभी तो खुद तेरे भाई मुताबिक उसकी अंगूठी से निकल हीरा लूप के भीतर गिरा तौलिए के अंदर की तरफ लगा खून तुझे कैसे दिखाई देता कैसे दिखाई देता एक बात बताओ क्या तुम ठगो या जासूस थोड़ा बहुत जासूस मैं आज से नहीं हूँ मुद्दत से हूँ भूल गई कि विशालगढ़ में प्रकाश देव महाजन के कातिल को किसने एक्सपोज किया था अपने मामू की वसीयत में दर्ज बारह सवालों का जवाब तलाश करने मैं क्या मैंने कम जासू, कर, जासूस जासूसी करके दिखाई थी सानू माया तमंग और उसके बेटे और छः करोड़ के विरसे के दूसरे दावेदार लेख बहादुर तमंग के हर घात का प्रतिघात से जवाब देना क्या कम जासूसी थी ढेर थी शाबाश मेरे शेरों के शेर बल्कि मैं तो सोच रहा हूँ कि हम सच में जासूस बन जाएं क्या अपने ठगी के कारनामों की पर्दादारी करने के लिए एक फॉल्स फ्रंट बनाकर रखने के लिए समझी नहीं अरे जैसे फैंस चोरी के माल की खरीद फरोख करने वाले अपने असल धंधे की ओट के लिए ज्वेलरी शॉप खोल लेता है क्यूरियो शॉप खोल लेता है एंटिक शॉप खोल लेता है जैसे स्मगलर और ब्लैकिय बिल्डर कॉन्ट्रैक्टर प्रॉपर्टी डीलर बन बैठते हैं वैसे हम प्राइवेट डिटेक्टिव बन सकते हैं प्राइवेट डिटेक्टिव ही क्यों क्योंकि इस काम में इन्वेस्टमेंट कोई नहीं खाली एक दफ्तर ही तो खोल के बैठना होगा उस पर एक बोर्ड ही तो लगना होगा गुप्ता एंड सेठी प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर्स सेठी एंड गुप्ता ऐसा क्यों लेडीज़ फर्स्ट चल ऐसे ही सही मुझे यह शहर पसंद है मैं शहर शहर भटकने से तंग हूँ हम यहीं टिक जाए वह अरमान बलेसवर में बोली और गृहस्थी बसा लें उसमें अभी टाइम है तो मुझे खुशी होगी तो मैं करूं तेरी खुशी का प्रबंध हाँ प्लीज़ तुम जासूस मैं जासूसन सन देख लेना हमारा पहला बच्चा लड़का होगा पैदा होते ही जिसकी मुट्ठी में रेडी डॉक्टर की अंगूठी होगी वो हंसी इसी को कहते हैं कि पूत के पाव पालने में नजर आ जाते अब हम इस हीरा लाल का क्या करेंगे क्या करेंगे पुलिस को सौंप देंगे क्यों भाई इस पर फाइंडर कीपर वाला नियम नहीं लागू होता क्या मतलब जिसको मिला उसका माल इसका एक मेजर क्राइम से रिश्ता है ऐसा कोई रिश्ता स्थापित नहीं है ये कातल की अंगूठी से निकलकर कर के लूप में गिरा हो सकता है हो सकता है है भी यही बात इसका कोई सबूत सामने नहीं है यह नकली हो सकता है तुम्हारे मुंह में खाक सपना तोड़ दिया मेरा हम इसकी औकात पहचानने की कोई जुगत करेंगे और यह भी पता करेंगे कि यह कातल की प्रॉपर्टी है या नहीं तब तक इसे पास रख लो और हीरा भाई बनकर इतरा लो हम इसकी बाबत अखबार में इश्ति क्यों ना दें कैसा इश्तिहार ये कहता इश्तहार कि फला जगह से हमें एक हीरा पड़ा मिला है जिस किसी की वो मिल्कियत हो तो, वो वह साबित करके हीरा ले जाए और जाने से पहले बरए मेहरबानी हम दोनों का गला रेत जाए ओ जासूसन बनने चलिए इतनी सी बात नहीं समझती फिर तो ऐसे शख़्स को ही तलाश करना होगा जिसकी अंगूठी में उंगली में अंगूठी हो अंगूठी में हीरे का खांचा हो लेकिन उसमें हीरा ना हो ईजियर सेट देन डन तो तुम बोलो क्या करें सोचूंगा मैं अभी मैं कुछ और सोच रहा हूँ क्या मेरे पास कोई हथियार होना चाहिए हथियार गन क्या प्रॉब्लम है ये समुद्र किनारे बजा बंदरगाह वाला शहर है या गैरकानूनी गन हासिल करना कानूनी पागल हुए तो मैं घन का लाइसेंस कौन देगा प्राइवेट डिटेक्टिव को मिलता है लाइसेंस पी डी का हथियार बंद होना अम बात है तुम सच में ही पी बनने की फिराक में हो दिखाने को ताकि कानून गन रखने की इजाज़त हासिल हो सके आसान काम है ये मुश्किल है लेकिन सिफारिश से जुगत से सब कुछ होता है आज के ज़माने में शब्बरानी इस बार तो जान जैसे जैसे तैसे बच गई लेकिन दोबारा अगर मेरा उस कातिल से सामना सामना हो गया तो जरूरी है कि मुकाबला बराबर का हो उसकी तरह इस बार मेरे पास भी गन हो ठीक है लाइसेंस हासिल करके दिखाना लेकिन पहले दिखावे का कोई ऑफिस किराए पर मिलता मिल जाता है चुटकियों में पल्ले पैसा होना चाहिए जो कि आज की तारीख में हमारे पल्ले है फर्नीचर वो भी किराए पर मिलता है अगर तुम इस बाबत पक्के हो तो वे सब इंतज़ाम मेरे जिम में पक्का हूँ ऑफिस बन गया समझो गुड अब बॉटम सब करो ताकि गुड नाइट बोले आज रात शबनम सप्न सॉल में बोली यहीं रह जाओ नहीं क्यों डरते हो अरे तेरे से नहीं कातिल से वो यकीन है मेरी फिराक में होगा यहां पर नान खड़ा हुआ तो एक ही जगह दो जाने जाएंगी शबनम खामोश हो गई लेकिन अब उसके चेहरे पर गहन चिंता के भाव थे वाकई पंगा गले पड़ा था खामा खा सतीश चावला रूपनगर अपने आवाज पर पहुंचा जो कि सुमंगल हाउसिंग सोसाइटी की मल्टी स्टोरी इमारत की दूसरी मंजिल पर एक दो बेडरूम वाला किराए का फ्लैट था कॉल बेल के जवाब में आलोका ने दरवाजा खोला रात की उस घड़ी व नाइटी पहनी हुई थी जिसमें से उसके फैशन मॉडल जैसे कसे हुए जिसम का एहसास उसे साफ़ हुआ कदम व साढ़े पाँच फुट से ज़रा ही कम थी तनी हुई सुडौल छातियों और भारी नितंबों की वजह से उसकी पतली कमर और भी पतली लगी थी रंग गोरा था नैन नक्श तीखे थे उसके कटे हुए बालों की रंगत स्वाभाविक तौर पर ऐसी हल्की भूरी थी जैसे कि और महिलाएँ डाई से करवाती थी और जिसकी वजह से विदेश में उस रंगत के बालों वाली लड़की ब्लॉन्ड कहलाती थी आधुनिकतम फैशन के मुताबिक हेयर स्टाइल्स की फीस भरकर उसने बालों में घूंघर डलवाए हुए थे उसने जगमग मुस्कुराहट से चावला का स्वागत किया चावला ने फ्लैट के भीतर कदम रखा अपने पीछे पाँव की ठोकर से दरवाज़ा बंद किया और उसे अपनी एक बहाँ के घेरे में ले लिया कहाँ अटक गए थे वो शिकायत भरे लहजे से बोली जिसकी तेरे जैसी माशूक हो चावला उसे अपने साथ भीजता हुआ बोला वो वे बेवजह नहीं अटक सकता है अब क्या वजह हुई पुलिस हुई अरे ये पंप वाला सेटअप रास नहीं आ रहा मुझे लगता है मैंने रहजा साहब से पटकर गलती की कि उनके लिए पंप मालिक मैं बन जाऊं। आज वहाँ ऐसा पचड़ा पड़ा कि पुलिस आ गई और कुल जहाँ के सवाल पूछने लगी उन्हीं की वजह से लेट हुआ अभी भी पता नहीं पीछा छूटा है या नहीं ओह बहुत जहमत है पाँच लाख रुपए भी तो मिले इतनी बड़ी रकम ऐसे ही हाथ थोड़ी ना आती जहमत बिना आज की दुनिया में कहीं कुछ नहीं होता वो तो है फिर और एक महीने की तो बात है उसके बाद पम्प से तुम्हारा पीछा छूट जाएगा हम कहीं भी चलते बनेंगे बात तो ठीक है तेरी हुआ क्या पम्प पर पुलिस क्यों आ गई चावला ने कत्ल की बाबत उसको बताया आलो का सन्नाटे में आ गई कत्ल उसके मुंह से निकला पंप के परिसर में यही तो बखेड़ा है इसलिए तो पुलिस मेरे गले पड़ रही है और मैं खामा का जवाब दे बन गया हूँ तुमने तो नहीं किया लाश तो बरामद नहीं हुई पुलिस को किसी साले ने गुमनाम कॉल करके कत्ल की बाबत बोला था अभी तो वो लोग पीछा छोड़ गए बाद में इल्ज़ाम लगाने लगे कि लाश मैंने गायब की थी तो मैं क्या कर लूँगा ओह फिर एक और भी ख़तरा है वो क्या उन लोगों को पता लगा कि मैं कत्ल की बाबत कुछ बख सकता था और वो मुझे भी ढेर कर देंगे ओ नो किसी का मुंह हमेशा के लिए बंद करना हो तो यही किया जाता है वो तुम्हारे साथ ऐसे नहीं पेश आ सकते कैसे आ सकते हैं पम तुम्हारे नाम है जब तक पम तुम्हारे नाम है तब तक तो तुम्हारे खिलाफ वो ऐसा कोई कदम उठा नहीं सकते अपने बारे में क्या कहती है क्या मतलब अगर तुझे कुछ हुआ तो वो भी तो मेरे ही खिलाफ़ कदम होगा मुझे वो हाकारी सर में बोली मुझे हाँ तुझे उनके लिए तुम्हारा बाल भी बाका हुआ तो उनके कुछ करने से पहले मैं ही खून की नदिया बहा दूँगा नहीं नहीं ऐसा कुछ ना करना मुझे तेरी बात से इत्तफाक़ है कि जब तक पेट्रोल पंप का हिस्सा किस्सा नहीं निपट जाता तब तक हम सेफ़ हैं लेकिन बाद में बाद में क्या होगा वो हम दोनों को ख़त्म कर देंगे तुम बात को बहुत बड़ा चढ़ा के कह रहे हो ऐसा कुछ नहीं होगा मुझे तो लगता है कि कुछ ना कुछ ज़रूर होगा तो क्या करोगे दो रास्ते हैं एक उनके धुन पर नाचते रहने का दूसरा कहीं खिसक चलने का कौन सा रास्ता चुनोगे फ़िलहाल यहीं टिके रहने में हमारी गति है इतना आगे बढ़ जाने के बाद एक एक कदम पीछे हटा पाना मुमकिन नहीं मैं मैं रहजा साहब से बात करता हूँ क्या बात उन्हें उस आदमी के बारे बताता हूं में बताता हूँ जो कनस्तर में पेट्रोल लेने पंप पर पहुँचा था कौन आदमी बोलूँगा पहले फ़ोन करने दे बीवी को बंधन मुक्त करके वो उस साइड टेबल पर पहुँचा जाके फ़ोन रखा था उसने एक नंबर मिलाया और संपर्क स्थापित होने की प्रतीक्षा करने लगा हेलो एकाएक वो बोला रहजा साहब नमस्ते मैं चावला सतीश चावला बोलता हूँ रहेजा सा, साहब वक्त की ऐसी ज़रूरत आन पड़ी है कि मैं आपसे मिलना चाहता हूँ जी जी हाँ पम की बाबत ही जी नहीं फ़ोन पर नहीं कह सकता बात ऐसी है कि रूबरू कहना ही ठीक होगा जी जी वो क्या है कि मेरी कार अभी भी आ, आपके आदमी के पास है जी हाँ जी हाँ लौटा जाएगा मैं जानता हूँ लौटा जाएगा लेकिन मैं चाहता हूँ कि वो कार लौटाने मेरी मौजूदगी में है जी हाँ साहब मैं जानता हूँ कि आपके लिए जहमत कर रहा हूँ लेकिन यकीन जानिए ज़रूरी है और मैं वादा करता हूँ कि ओके ओके सॉरी सॉरी जी हाँ नमस्ते साहब जनाब उसने रिसीवर वापस क्रेडल पर रख दिया आलोका ने प्रश्न सूचक नेत्रों से उसकी तरफ़ देखा वो बीवी के साथ कहीं इधर करीब ही आया हुआ है चावला ने बताया कहता है मेरे उसके पास आने की ज़रूरत नहीं साढ़े दस तक वही यहाँ पहुँच जाएगा यहाँ हमारे फ्लैट में हाँ तो मैं उनके लिए कुछ नहीं उसने ख़ास बोला है कि कोई तकल्लुफ़ ना हो वो कहीं से कोई पार्टी अटेंड करके ही यहाँ पहुँचेगा ओह जब तक वो नहीं आता इधर आ और आके मेरी गोद में बैठ इटलाती मुस्कुराती आलोका उसकी ओर बढ़ी दस पैंतीस पर पुकरार रहेजा सप सब, सपत्नी सतीश चावला के फ्लैट पर पहुंचा उसकी बीवी सुनंदा ऐसी शानदार और नौजवान थी कि साथ चलता बीवी की जगह बेटी जान पड़ती थी जबकि उम्र में उससे सिर्फ छः साल छोटी थी उसके बाल काले थे आंखें भूरी थी और फिक्र कमसिन युवतियों के लिए भी काबिल रश्क थी वो कद में कदरन छोटी थी लेकिन उसकी कसर वो घर से निकलती थी तो हाई हील पहनकर पूरी कर लेती थी रहेजा ने वहाँ पहुँचते ही घोषित कर दिया कि वह तकल्लुफ़ नहीं चाहता था ज़्यादा देर वहाँ रुक नहीं सकता था इसलिए चावला बिना कोई भूमिका बांधे सीधे मतलब की बात पर आए रहीजा साहब चावला गंभीरता से बोला मैंने हो, आपका हुक्म माना आपके हुक्म पर मैंने ये जाहिर करते हुए वो पेट्रोल पम्प खरीदा जिस पर पैसा आपका लगा था लेकिन दिखाने के लिए जिसका मालिक मैं था उसकी तो मैं फ़ीस भी तो मिली रहेजा रू के सर में बोला बराबर मिली भरपूर मिली जी हाँ लेकिन जब मैंने आपके साथ एग्रीमेंट के कागजात साइन किए थे तब मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि आगे चलकर एक कत्ल में मेरा दखल बन जाएगा मैंने भी नहीं सोचा था आप बात को सीरियसली नहीं ले रहे ले रहा हूँ भाई बराबर ले रहा हूँ मुझे भी अफसोस है कि कत्ल में तुम्हारा दखल बना लेकिन इसमें फ़िक्र वाली बात कौन सी हो गई तुमने तो कुछ नहीं किया ना पुलिस फिर भी मेरे पर चढ़ दौड़ी भाई कत्ल का केस है उनका काम है यूँ लोगों पर चढ़ चौड़ना जब उन्हें पता चलेगा कि तुम्हारे हाथ साफ़ हैं तो वो खुद ही तुम्हारा पीछा छोड़ देंगे ना छोड़ा तो इस तो का मैं क्या जवाब दूँ उसने पहले पाकिस्तान ने हमला कर दिया तो पर ले आ गई तो चावला ने बेचैनी से पहलू बदला उन्होंने फिर बोला पंप की मिल्कियत की बाबत को सूंघने की कोशिश की तो फिर तो पंप को लेकर जो कुछ हुआ है नीट एंड क्लीन हुआ है लीगल हुआ है तुमने किसी कानून की कोई धारा नहीं भंग की तो कौन सी बात है जिसको लेकर वो तुम्हारे पर उंगली उठाएंगे पुलिस खामा खा खामा खाँ भी तो लोगों को हिरासत में लेती है खामा खा नहीं लेती झूठी सच्ची कोई बुनियाद बनाकर ज़रूर करती है तुम्हें अपने खिलाफ़ कौन सी बुनियाद दिखाई देती है मौका है वारदात मेरी मिल्कियत है इस वजह से वो तुम्हें हिरासत में लें तो मुझे खबर करना एक घंटे में छोड़ा लूँगा चावला के चेहरे पर आश्वासन के भाव ना आए अरे क्यों नहा खलकान हो रहे हो सिर्फ़ एक महीने की तो बात रह गई है एक महीने बाद ये शहर की शहर ही छोड़ देना और जहाँ जी में आ जाके उसने आग भरकर कर आलोका को देखा ऐश करना अच्छा हाँ सिर्फ़ इस तसल्ली की खातिर तुम मेरे मिलना चाहते थे तो तुमने खामक का अपना और मेरा वक्त ज़ाया किया एक बात और भी है जो मैं नहीं समझता कि आपकी जानकारी में आई है वो कौन सी बात हुई कत्ल के वक्त एन कत्ल के वक्त रेस्ट रूम में एक आदमी और मौजूद था रायिजा को जैसे सांप सूंघ गया कितनी देर उसके मुंह से बोल ना फूटा फेंक रहे हो फिर वो उसे घूरता हुआ सख्ती से बोला मजाक कर रहे हो मैं ऐसे मजाक पसंद नहीं करता राइजा साहब आपसे मजाक करने की मेरी मजाल नहीं हो सकती मैं हकीकत बयान कर रहा हूँ क्या हकीकत बयान कर रहे हो क्या, क्या कह रहे हो फिर से कहो साफ कहो चावला ने कहा हे भगवान कत्ल का कोई चश्मदीद गवाह है और मैं क्या कह रहा हूँ चावला बोला इसकी खबर मुझे पहले क्यों नहीं हुई और यही नहीं मुझे पूरा पूरा शक है कि कत्ल की बाबत उसी आदमी ने पुलिस को फ़ोन किया था उसी की वजह से पुलिस इतनी जल्दी पेट्रोल पंप पर पहुंच गई थी तुम सारी बात फिर से ठीक से तफसील से बयान करो कोई छोटी से छोटी मामूली से मामूली बात भी छूटने ना पाए चावला ने फिर तमाम वाक्य बयान किया और इस बार पुलिस वालों का उनके हर बात का हर हरकत का ख़ास तौर से जिक्र किया रहेजा के उस ओंकार के बाद कितनी देर वहाँ खामोशी चाहिए रही जिसके दौरान वातावरण ब्लेड की धार जैसा पहना उठा आखिरकार रहेजा ने एक आसी भरी और जेब से मोबाइल फोन निकाला उसने उस फोन उस पर एक नंबर पंच किया और फ़ोन कान से लगाकर का प्रतीक्षा करने लगा संपर्क स्थापित ना हुआ झुंझुलाते हुए उसने कोई दूसरा नंबर पंच किया इस बार तुरंत संपर्क स्थापित हुआ रहेजा बोलता हूँ वो बोला मैंने चकोर की छुट्टी करने को बोला था क्या हुआ क्या कल होगी नहीं नहीं कल नहीं आ जाए अभी ऐसा कर भाई और पहले उसको पूछ चावला की कार कहाँ का है? ठीक है जीता रहे उसने फ़ोन बंद किया और चावला की तरफ घूमा तुम्हारी कार बाहर सड़क के पार खड़ी है वो बोला चाबी गेट के वॉचमैन के पास है शुक्र है चावला बोला मैंने तुम लोगों को किसी तकल्लुफ़ के लिए मना किया था लेकिन अब तुमने मेरा मूड बिगाड़ दिया घर में कोई ड्रिंक रखते हो चावला ने अपनी बीवी की तरफ़ देखा आलोका बड़े चिंताकर्षक अंदाज से मुस्कराई राइट अवे वो बोली और उठकर किचन में चली गई मैं हेल्प करती हूँ सुनंदा बोली और पति के कुछ कह पाने से पहले आलोका के पीछे फ्लैट की छोटी सी किचन में चली गई वहाँ उसने आलोका को एक शेल्फ में से विस्की की आधी भरी बोतल निकालते पाया आलोका ने बोतल नीचे रखी और एक और शेल्फ से गिलास निकाले सुनंदा ने बोतल उठा ली बस यही बोतल है घर में वो अजीब से लहजे में बोली हाँ आलोका सब पकाई सी बोली ठीक नहीं है सोसाइटी के करीब ही आरडीआ मार्केट में लेकर शॉप है अभी खुली होगी चावला साहब दौड़ के और बोतल ले आते नहीं ठीक है ये मैं ड्रिंक बनाती हूँ वो बोतल का ढक्कन खोलने लगी उस कोशिश में बोतल उसके हाथ से छूटी गिलासों पर जाकर गिरी और बोतल भी टूट गई गिलास भी टूट गए ओह सुनंदा के मुंह से निकला आई एम सॉरी क्या हुआ बाहर ड्राइंग से ड्राॅइंग रूम से चावला की आवाज़ आई बोतल फूट गई आलोका ने उच्च स्वर में जवाब दिया बोलो सुनंदा व्यग्र भाव से फुस हम दोनों जाके नई बोतल ले आती हैं आलोका ने असमंजसपूर्ण भाव से उसकी तरफ़ देखा प्लीज़ सनंदा ने याचना की बोलो ऐसा जिद करो लेकिन क्यों मैंने कहीं बाहर से एक अर्जेंट फोन कॉल करनी है फ़ोन कॉल करनी है बोतल मैंने जान के फोड़ी ताकि बाहर निकलने का बहाना बन सके कमाल है प्लीज़ फ़ोन तो यहाँ से नहीं यहाँ से नहीं नहीं प्लीज़ कहना मानू ठीक है चलो ओ सनंदा के मुंह से निकला अं... सॉरी थैंक यू दोनों किचन से निकली और वापस ड्राॅइंग रूम में पहुंची मैं ज़रा करीबी मार्केट तक जा रही हूँ आलोका बोली मगर चावला बोला बोतल लानी है तुम्हें तो नहीं नहीं आपका मेहमान के पास बैठना ज़रूरी है मैं कही और आई लेकिन तुम अकेली लेकर शॉप पर मैं इन्हें साथ ले जाती हूँ मैं चलती हूँ सुनंदा भाव से बोली गुड आओ चलो सनंदा ने अपने पति की तरफ़ देखा राइजा ने हिचके चाचू को सहमति में से हिलाया दोनों तेज़ी से वहाँ से बाहर निकल गई खामोशी से वो मार्केट में पहुँची जहाँ सुनंदा झपटती से एक टेलीफोन बूथ में घुस गई उसने अपने पीछे बूथ का शीशे का दरवाजा बंद कर लिया था और हुक से रिसीवर सटाकर तेज़ी से नंबर पंच करने लगी पता नहीं क्या माज रहा था लेकर स्टोर की ओर बढ़ते हुए आलोका ने मनी मन सोचा उसके बोतल खरीद कर वू पर बूथ पर वापस लौटने तक सुनंदा वहाँ से फारिग होकर बाहर निकल आई दोनों वापस लौटी रहेजा साहब के पल्ले क्यों पड़ गए तुम लोग रास्ते में सुनंदा बोली मजबूरी थी कैसी मजबूरी पैसे की पैसा ही करप्ट करता है सबको करप्ट छोड़ो एक बात का ध्यान रखना मेरी फ़ोन कॉल का जिक्र वहाँ मर्दों के सामने ना करना दरख्वास्त नहीं करूँगी मेरे को तुम्हारी फ़ोन कॉल से क्या ठीक इसी बात पर कायम रहना ज़रूर शुक्रिया लेकिन कॉल की ऐसी अर्जेंसी ऐसी सीक्रेसी वो सब ज़रूरी था एक और कत्ल होने से रोकने के लिए ज़रूरी था आलो का सन्नाटे में आ गई लेकिन मुंह से कुछ ना बोली तो चलिए दोस्तों वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं आठ दिन के तीसरे भाग में अगले वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद